हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नेहा कसम। वैसे तो मैं अपनी वेट गेन जर्नी के बारे में बताती हूँ, बट यहाँ पे मैंने विंटर मेकअप लुक तैयार किया है जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ये विंटर लुक आप अपनी फेयरवेल में या पार्टी में, या फिर न्यूली मैरिड है या मैरिज में ओकेजन में आप इसका यूज कर सकते हैं। स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए है, जिनको मेकअप करना नहीं आता है वो बहुत अच्छे से और बजट फ्रेंडली मेकअप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर करूँगी। उसके लिए मैं मॉइस्चराइज़र यूज करूँगी, क्योंकि विंटर है, विंटर में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र की नीड होती है। यहाँ पे मेरे पास चार मॉइस्चराइज़र के ऑप्शन हैं। अगर मेरी सुने तो पॉन्ड्स और वैसलिन बॉडी लेशन काफ़ी हाइड्रेटेड और स्किन फ्रेंडली भी होता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो विंटर मेकअप करते समय ये ध्यान रखें कि उनको थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और मर्ज करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एब्जॉर्वेशन के लिए 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन आई यूज लिप मॉइस्चराइज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर में, क्योंकि इसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज करूँगी, तो उससे पहले लिप्स को हाइड्रेटेड करना ज़रूरी है। नाउ हेयर आई यूज टू लैक्मी 925 सीरम। सीरम मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि इससे स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपको ऐसे ड्राइनेस फील नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉप्स ली है। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई फेस पे भी कर सकते हैं। फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पे सेपरेट करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास विंटर में फेस सीरम नहीं है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फॉर ऑप्शनल। देन आई यूज प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो इट्स ओके, आप बेबी ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। बेबी ऑयल को 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ देंगे तो वो अच्छे से मर्ज हो जाता है, बट यहाँ पे मेरे पास प्राइमर है तो आई विल बी प्रिफेयर फॉर प्राइमर ऑफकोर्स। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट आपके बजट फ्रेंडली है, इनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर कि आप चेक करें। नाउ टाइम्स टू अप्लाई फाउंडेशन। मैं यहाँ फाउंडेशन का यूज नहीं कर रही हूँ। आई वुड सजेस्ट टू यू कि BBCC क्रीम फाउंडेशन ठीक होता है। इनको आप मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो आपकी हाइड्रेटेड रहेगी स्किन और केकी फील नहीं होगी। अगर आपको विंटर में फाउंडेशन यूज करना है तो मेक श्योर कि आप लिक्विड वाला फाउंडेशन यूज करें, मैट या क्रीमी को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपके पास क्रीमी मैट में अवेलेबल है फाउंडेशन तो आप मेक श्योर कि उसमें मॉइस्चराइजर को जरूर ऐड करें, क्योंकि विंटर के सीजन में ड्राई स्किन पहले से होती है। अगर आप उसमें मॉइस्चराइजर फाउंडेशन में मिक्स करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, काफ़ी फ्लॉलेस मेकअप निकल के आएगा। इससे आपका फाउंडेशन ब्लैक भी नहीं पड़ेगा और ड्राई भी नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइजर के साथ ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फाउंडेशन केस में। फिंगर की हेल्प से फाउंडेशन मिक्सचर को अप्लाई किया था, बट नाउ आई यूज ब्रश। अगर ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर से भी यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन की बहुत सारी लेयर्स अप्लाई नहीं करनी है, आपको इतने में ही फुल कवरेज मिल जाएगी। मैं यहाँ कंसीलर का यूज नहीं करूँगी क्योंकि मेरे फेस पर कोई एक्ने डार्क स्पॉट नहीं है। नाउ अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर विंटर में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती क्योंकि ये टोटली केकी हो जाता है। अगर आपको करना है तो लूज पाउडर या येलो पाउडर करें। नाउ टाइम्स टू सेटअप आई मेकअप। विंटर सीजन है, सेटल कलर को ही अप्लाई करना ठीक रहेगा। मेरी साड़ी यहाँ पे डार्क कलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का पिंकी पीची कलर अपने आई शेडो यूज किया है। इसके बाद मेरे पास 4 शिमर पाउडर अवेलेबल है, इसके लिए डार्क शिमर शेड का यूज किया है। डार्क आई के लिए गोल्ड और सिल्वर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मिडल लेड पे ब्रश की हेल्प से यहाँ पे लोअर बो को हाइट करने के लिए डार्क शिमर सिल्वर शेड का यूज मैंने किया है। नाउ टाइम्स टू फिल इनर कॉर्नर्स। इससे आंखें ना थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है और यहाँ फिंगर टिप्स की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है। लाइट सेट का यूज किया है, आप ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फिंगर टिप्स से और ब्रश दोनों की हेल्प से की है। ये पीछे मेरे भाई का लड़का आ गया था तो मैंने भी इसको फिल्मिंग ले लिया, बिकॉज ऑफ ही इज़ माई प्रोटेक्टर। आई हैव स्टे क्विकरी आई लाइनर। ये बहुत बेस्ट होता है, इससे मैंने विंग क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे ठीक ठाक ही विंग क्रिएट करना आ जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ऑफकोर्स आपको भी आजकल विंग क्रिएट करना बहुत ईजी रहता है। नाउ टाइम्स टू अप्लाई काजल। काजल को आप मेक श्योर कि लोअर लैसेज और अपर लैसेज दोनों पे ही ट्राई करें तो आँखें ना बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, अच्छी भी लगती हैं, और साड़ी है तो बड़ी आँखें अच्छी लगेगी। फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा पिंकिस अपने
आई लेसेस के नीचे अप्लाई किया। नाउ टाइम्स टू आईब्रो को सेटल करने का जाता है, तो मैंने आईब्रो को यहाँ पे ब्रश किया, कॉम्ब किया, देन आईब्रो से आईब्रो पाउडर मेरे पास है तो मैंने उसको अप्लाई किया है, जिससे मेरी आईब्रो एक सेटल लगती है। मैं मस्कारा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे हेडेक हो जाता है, आंखें भारी भारी हो जाती हैं जिससे। नाउ टाइम्स टू अप्लाई लिपस्टिक। हेयर आई यूज डार्क लिपस्टिक बिकॉज ऑफ ये मेरे ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मैं यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिपस्टिक पहले अप्लाई करती हूँ फिर ब्लश लगाती हूँ। इससे ना आइडिया मिल जाता है कि आपको कितने ब्लश की नीड होती है, कितने हाइलाइटर की नीड होती है। तो इस मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी ब्रोंजर के लिए। अगर आपका फेस लीन है और स्केल्टन बोन को नहीं शो करना है तो आप कॉन्टोरिंग ना ही करें तो बेटर है। बट आई डूइंग कॉन्टोरिंग बिकॉज ऑफ ना मेरा फेस ओवल जैसा दिखने लग जा रहा है मेकअप और हेयर स्टाइल के बाद, जिस वजह से मुझे अपने चीक बोन्स और स्केल्टन्स को थोड़ा सा ऐसे विजिबल देना है। आई एम लुकिंग गुड। नाउ टाइम्स टू अप्लाई ब्लश। डार्क शेड लिपस्टिक लगाई है जिस वजह से मैं अपना लाइट शेड ब्लश यूज करूँगी। तीन ऑप्शंस भी है, अगर आपके पास पाउडर ब्लश है, लिक्विड ब्लश है, पिंक लिप ग्लोज है या फिर आई शेडो है पिंक रेड, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर ब्लश। ब्लश के बाद मैंने अपने नोज और चीक बोन को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का यूज किया है। हाईलाइटर लगाने के बाद मेकअप बिल्कुल सेटल हो जाता है, फेस शाइनी हो जाता है और लगता है कि आपने एक अच्छा मेकअप किया है। हाईलाइटर को आप अपने चीक बोन, नोज, चिन और फोरहेड पे अप्लाई करें ताकि आप थोड़ा सा शाइनी और ब्लिंकी ब्लिंकी दिखाई दे। विंटर सीजन है तो आपको मेकअप फिक्सर की कोई नीड नहीं है, बिगनर्स है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है परचेज करना, क्योंकि विंटर में आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है। अगर मॉइस्चराइजर है आपके फेस पे, ड्राइनेस नहीं है, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं बिंदी यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने छोटी बिंदी लगाई थी बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, थोड़ा सा डार्क शेड कपड़े पहने हैं तो मेरे को बिंदी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। हेयर मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होके तैयार हो गया है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा, बेस्ट इवन बेस्टेस्ट रहेगा। कुछ टिप्स आप अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर आप हमेशा अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। इसके पास मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि आई हैव एन एक्ट्रेस जैसी बोन्स है, मेरे पास नेक बोन है तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जो अच्छी भी लगती है साड़ी पे, तो थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे मेरा मेकअप तैयार हो गया है, ये बहुत बजट फ्रेंडली है और विंटर के लिए एप्रोप्रिएट है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको हेल्प की है तो मेक श्योर कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। यहाँ पे थोड़ा मैंने अपना इंट्रो दिया है, मेकअप जो मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको मेरा ये मेकअप और ये लुक अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक करना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। मैं मेरे लिए भी चीज़ें नई हैं बट मुझे पहले से थोड़ी आती हैं, थोड़ी मैं अब सीखूँगी और आपको भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।